एक गाइस टेक एकांत चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है कांडांगी। तो आज हम वीडियो में बात कर रहे हैं कि अगर आपके प्रिंट में फोटोकॉपी वाली मशीन जो बड़ी वाली मशीन है उसमें लाइनिंग आ रही है, जैसे इसमें लाइनिंग आ रही है नीचे की साइड, अभी आपको अच्छी तरह पता नहीं दिखेगी नहीं दिखेगी, तो ये देखिए इधर की नीचे की साइड आ रही है मेरी उंगली के यहाँ पे, तो उसको क्लियर कैसे करें, ये ठीक कैसे करनी है, अगर प्रिंट हल्का आ रहा है ब्लर आ रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये सारी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसमें देखेंगे अगर वैसे ठीक नहीं होता है तो फिर आपको क्या इसमें जो है पुर्जे बदलने पड़ेंगे, क्या इसमें आपको सामान डालना पड़ेगा नया जिससे कि ये ठीक हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं प्रिंट को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए कुछ ये प्रिंट आउट थे जो मैंने, ये जो फोटो कॉपी प्रिंट आउट ये मैंने जो निकाले हैं, तो ये देखिए इसमें लाइनिंग आ रही है, आपको अगर नज़र आ रही होगी तो इधर नीचे की साइड ही, वहीं ऐसे बीच में भी ऊपर भी आ रही है नज़र, वैसे ही एक यहाँ पे इसमें लाइनिंग आ रही है प्रिंट में फोटोकॉपी में ऐसी ही, तो ये ज़्यादातर सब में आ रही है। तो इसका जो उपाय था वो मैं आपको बताता हूँ कैसे ये ठीक होगी। तो ये देखिए ज़्यादातर सभी में ही आ रही है ये, तो मैंने इसको निकाली थी, इसमें भी आ रही है। तो इसको आप ठीक करोगे, मेरे पास कैनन की IR2525 मशीन है, ये देखिए ये वाली है वो, और इसमें मैंने अभी तक जो प्रिंट निकाले हैं वो निकालने हैं, इसमें मैंने अभी तक 2,90,000 अराउंड ये देखिए इतने, ठीक है। और जो प्रिंट आउट मैंने इसमें निकालने हैं वो मैंने इसमें निकालने हैं अभी तक 96,998 प्रिंट आउट मैंने इसमें निकाल दिए हैं। तो इसका जो मैंने ये जो अगर इसमें मेरे को दिक्कत जो शुरू हुई वो इसी के बाद हुई, 2.5 लाख पेज निकालने के बाद स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो इसके साथ जो असली जो इसका ड्रम आया था उसने लगभग 2.5 लाख पेज निकाल देती है, कंपनी कहती है 1,70,000 निकल जाते हैं, पर हमने अच्छी तरह इसका मेंटेन वेंटेन करके 2.5 लाख इसमें पेज निकाल दिया है। तो इसमें जो चेंज होगा अगर सामान ना चेंज करेंगे तो वैसे भी हम चेक कर लेते हैं अगर कैसे होगी, अगर फिर भी नहीं होता तो आपको इसमें चेंज करना ही पड़ेगा। तो इसमें हम यहाँ पे करेंगे इस साइड पे ही, तो यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का एक ड्रम दिख रहा होगा इधर की साइड, इसको हम चेंज करते हैं, अगर ना भी करेंगे तो अगर इसको साफ़ कर देते हैं हम तो काम चल जाता है। इसके अंदर एक ब्लेड भी लगा रहता है जो कि इस पर जो इंक चिपकती है जहाँ से ये प्रिंट होता है इंक लग के और वो साफ़ होती है, तो हम उस ब्लेड को भी चेंज कर सकते हैं, अगर वैसे ही ठीक हो जाए आप इसको खोल के सेट करके हो जाए तो भी सही है, पर अगर नहीं होता तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं उसको दिखाऊंगा, अभी मैंने खोल के रखा हुआ है एक, मैंने चेंज कर दिया है। तो ये है यहाँ का, अगर लाइनिंग आ रही है प्रिंट पे तो आपका जो ड्रम है ये ख़राब हो चुका है, ये घिस चुका है, ये मैंने लोकल वाला डलवाया है, और जो इसका प्राइस जो है वो है 500 के आसपास ही आपको मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी। इसके साथ एक इसमें ड्रम भी है, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें अपना ड्रम चेंज कर सकते हो और ब्लेड भी, तो आसान है काफ़ी, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसको खुद भी कर सकते हो, बस आपको एक पेचकस चाहिए जो कि ये स्क्रू यहाँ से खुल जाएंगे सारे, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो आराम से ही। तो इस पर आपको कपड़ा भी मार के इसको साफ़ कर सकते हो, जैसे ये वाला है बिल्कुल सही है, नया है, अभी मैंने डाला है, 2 दिन ही हुए हैं, अब प्रिंट काफ़ी बढ़िया आ रहा है, और इसका जो ब्लेड है वो भी मैंने चेंज कर दिया, ब्लेड भी घिस चुका था। तो ये था यहाँ का, अगर प्रिंट फटा आ रहा है या ब्लर आ रहा है तो उसकी वीडियो भी मैंने एक यहाँ से अलग से बनाई हुई है इस साइड से ही। तो यहाँ से एक वो है सेंसर है या लेज़र उसको बोल लो, तो वो अगर उस पर आगे धूल धूल जम जाती है तो वहाँ से भी आप उसको क्लीन करके जो प्रिंट है वो उसको सही कर सकते हो, फटा जो आ रहा है प्रिंट। तो ये दो चीज़ें इसकी, मैं इसकी तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कैसे उसको चेंज करना है आपको, तो इसकी एक अलग से वीडियो और बना दूंगा, नहीं तो मैं लिंक भी डाल दूंगा अपनी पुरानी वाली वीडियो का, तो उसके आप देख सकते हो। इसका जो ड्रम है कैसे चेंज करेंगे उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो अभी मैं बताऊंगा कि अभी तो मैं इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि कैसे आपको क्या इसमें करना है। अगर फिर भी नहीं आए तो फिर आप यहाँ से इसको क्लीन भी कर सकते हो, जैसे कंट्री काउंट एडिशनल फीचर्स पर आप जाओगे, इधर आपको दिख रहा होगा एडजस्टमेंट क्लीन, अगर यहाँ से भी ठीक हो जाता तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, जैसे ट्रांसफर रोलर स्टार्ट कर दोगे तो रोलर क्लीन हो जाएगा, ड्रम क्लीनर है एक, फिक्स यूनिट क्लीन है, फीडर क्लीन है। तो यहाँ से अगर आपको ये भी चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे जो है ये ADF है इसको भी आपको क्लीन रखना, जैसे हमारे इसमें थोड़ी सी धूल आ चुकी है। अगर प्रिंट में लाइनिंग आती है तो एक रीज़न ये भी होता है, अगर आप ऊपर से प्रिंट दे रहे हो तो ये भी काला पड़ जाता है कई बार, इसको भी आप यहाँ से इसको साफ़ करना है, तो ये साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाएगा, इसमें धूल जो होगी जो लाइनिंग है काला सी जो चिपकी हुई है वो निकल जाएगी, जैसे मेरे इसमें जो काली काली सी आ रही है ये देखिए इधर की साइड आपको दिख रहा है, इसको भी हम साफ़ कर सकते हैं।
तो उससे भी वो प्रिंट सही आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको ये भी एक चीज़ साफ़ करनी है, आपको ग्लास साफ़ करना है, इसको यहाँ से भी साफ़ करना है तो प्रिंट सही आएगा। जो बात है मेन चीज़ वो है हमारे पास ये ब्लेड और रोलर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो रोलर, ये ओरिजिनल वाला रोलर है जो कि कंपनी के साथ आया था, मेरे को यहाँ मिला था इस मशीन के साथ। तो ये वो वाला रोलर है, इसके बाद से ब्लेड है एक। अगर इस रोलर की जो कीमत है वो 500 रुपये है, आपको अगर सस्ता मिलता है तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे 500 रुपये में ही मेरे को मिला है, अगर आप होल सेल में लेते हो या कहीं अच्छी से जगह से लेते हो तो आपको सस्ता भी मिल सकता है या महंगा भी मिल सकता है। इसको लोग 800-800 में भी आपको दे सकते हैं, पर जो ये एक ड्रम जो पेज निकालेगा वो कम से कम आपके 35-40 हज़ार, 50 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही पेज निकालेगा, उसके बाद ये हो जाए ख़राब। क्योंकि जो ओरिजिनल आता है वो एक तो मिलता नहीं है ओरिजिनल, एंड अगर आपको मिलेगा तो काफ़ी महंगा मिलेगा, उसका प्राइस मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्ट कितना है। तो अगर तो आपको लोकल ही मिलेगा जो कि 50 हज़ार या 40 हज़ार कुछ पेज आपके निकल जाएंगे। उसके साथ में एक ये ब्लेड आता है, ये देखिए कुछ ब्लेड इस तरह से है, यहाँ पे इस पर रबड़ लगी हुई है इधर की साइड, जो कि ये ऐसे लगेगी और ये रबड़ से ही ये साफ़ होती है इस पर इंक। ये जो इसकी ब्लेड की जो कीमत है वो आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। आपको ये दोनों चीज़ भी आपको 600 रुपये में मिल सकती है, तो 600-650 में, और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। तो उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँ कि कैसे आप इसको लगा सकते हो। तो ये दो चीज़ आप अगर चेंज कर देते हो तो आपका जो प्रिंट है वो काफ़ी बढ़िया आएगा, जो प्रिंट की जो क्वालिटी होगी काफ़ी अच्छी आएगी। तो अभी मैं कोई प्रिंट भी आपको दिखा देता हूँ, अभी मैंने कौन सा भी निकाला है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रिंट निकाला, तो ये देखिए क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है इनकी। तो प्रिंट में आपको कोई दिक्कत आती नहीं है, काफ़ी बढ़िया प्रिंट आता है हर चीज़ में। तो इसको चेंज करने से आपका जो प्रिंट है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसका मैं जो है इसका ड्रम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। साथ ही साथ इस ब्लेड का भी आपको लिंक दे दूँगा, एंड जो इसमें जो ओरिजिनल जो टोनर डलता है उसका भी, जो इसमें रिफिल डलती है उसका भी मैं आपको लिंक आपको दे दूँगा, जिससे कि आपकी जो मशीन है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी और इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल और कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग तो वो भी आप कमेंट पूछ सकते हो। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो भी ऐसी मशीन यूज़ कर रहा है तो उनके लिए काफ़ी आसान है उनके लिए ये चेंज करना। इसकी एक अलग से वीडियो जल्दी ही आएगी जिसमें आपको मैं चेंज करके बताऊँगा कि कैसे आप इसको खुद से ही चेंज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।